अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे यह बात करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और बाबर आजम का शुमार बहुत ही अच्छे क्रिकेटर में हो रहा है। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, इनमें हो रहा है। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडिया के बहुत बड़े बैट्समैन थे, और डिविलियर एबी डिविलियर जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं। बाबर आजम का शुमार इन तीनों खिलाड़ियों में हो रहा है। बाबर आजम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने सेंचुरी 10 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, ओडीआई में 10 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। मुकल्लम ने इनको इनाम देते हुए इनकी भरपूर तारीफ की थी। बाबर आजम ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि वर्ल्ड कप में 7 मैच में 333 रन बना चुके हैं। 2 मैच अभी भी बाबर आजम के बाकी हैं। अगर बाबर आजम ऊपर जाना चाहते हैं तो दोनों मैच में 100-100 करके बाबर आजम ऊपर जा सकते हैं। इससे पहले 2007 के आलमी कप में सचिन तेंदुलकर ने 372 रन बनाए थे, लेकिन 333 रन अभी बाबर आजम के 7 मैच में हो गए हैं। बाबर आजम के पास अभी मौका है 2 मैच का। बाबर आजम अभी और मशहूर हो सकते हैं क्योंकि 2 मैच अभी बाकी हैं। एबी डिविलियर और ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने काफ़ी क्रिकेटर में नाम कमाया है। इन्होंने क्रिकेटर में काफ़ी नाम कमाया है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं और बाबर आजम ही इन प्लेयर में शुमार हो गए हैं। बाबर आजम ने 333 रन बना लिए हैं वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने 10 सेंचुरियाँ की हैं, और 10 सेंचुरी में पाकिस्तान 8 मैच जीता है। जब इन्होंने 10 सेंचुरियाँ की हैं तो पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच हारा है और 8 मैच जीता है। उम्मीद करते हैं बाबर आजम आगे भी सेंचुरी करेंगे और पाकिस्तान को जीत दिलवाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।